अफगानिस्तान दुनिया का चौथा सबसे खतरनाक देश है। इसकी वजह है अफगानिस्तान में अलग अलग समुदायों के बीच होती रही वर्चस्व की जंग। कई जातीय और आदिवासी समूहों के बीच हिंसक प्रतिस्पर्धा यहां काफी समय से रही है। काबुल पर कब्जा कर लेने के बावजूद तालिबान को अफगानिस्तान में सरकार बनाने में देर हुई। इस समस्या का एक कारण पाकिस्तान रहा, जो तालिबान को प्रभावित करने की कोशिश करता रहा, तो दूसरी ओर अफगानिस्तान के समाज और राजनीति की संरचना भी खुद एक बड़ी समस्या रही, जिसकी वजह से तालिबान में फूट पड़ने की खबरें सामने आईं। तालिबान में कई क्षेत्रीय लड़ाका समूहों के अलग अलग नेताओं का दबदबा है, जो परंपरागत तौर पे अपने सांस्कृतिक ढांचे के भीतर स्वशासन और स्वायत्तता की लड़ाई लड़ते आए हैं। आइए जानते हैं अफगान कौन है और अफगानिस्तान के मुसलमान कितने समुदायों में बटे हैं। अफगान समाज में एथनिक आइडेंटिटी को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता रहा है। अफगानिस्तान में 14 प्रमुख समुदाय हैं, जिनमें से 6-7 राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक तौर से महत्वपूर्ण हैं। ये हैं पश्तून, ताजिक, हजारा, उज्बेक्स, तुर्क, बलूच और नूरिस्तानी। आइए इन समुदायों के बारे में आज आपको विस्तार से बताते हैं। पश्तून अफगानिस्तान का सबसे बड़ा समुदाय है। 4 करोड़ की आबादी वाले अफगानिस्तान में 42% पश्तून हैं। भाषा है पश्तो। पश्तूनों का अफगानिस्तान की राजनीति में 3 सदियों तक दबदबा रहा है। अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई और अशरफ गनी भी पश्तून हैं। ज्यादातर पश्तून सुन्नी मुसलमान हैं। पश्तूनों की संस्कृति पर इनकी अपनी परंपराओं और अरब इस्लामिक रिवाजों का प्रभाव है। तालिबान में भी पश्तूनों का वर्चस्व है। दक्षिणी और पूर्वी अफगानिस्तान पर पश्तूनों का नियंत्रण है। पाकिस्तान से सटे प्रांतों पर पश्तूनों का काफी प्रभाव है। दूसरे हैं ताजिक। अफगानिस्तान में ताजिक दूसरा सबसे बड़ा समुदाय है। अफगानिस्तान की कुल आबादी में 26-27% ताजिक हैं। इनकी भाषा है दरी। ताजिक समुदाय का पंजशीर, बदख्शां समेत उत्तरी अफगानिस्तान पर नियंत्रण है। पंजशीर में ही तालिबान के खिलाफ प्रतिरोध कायम है। अफगानिस्तान के पश्चिमी इलाकों पर भी इनका प्रभाव है। ताजिक पश्तूनों और तालिबान के सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी हैं। यहां तक कि 1996 से 2001 के बीच अपने शासन के दौरान भी तालिबान पंजशीर और बदख्शां प्रांतों पर कब्जा नहीं कर पाए थे। साल 1996 में जब तालिबान ने पहली बार सरकार बनाई, तो उस वक्त अफगानिस्तान के राष्ट्रपति ताजिक समुदाय के बुरहानुद्दीन रब्बानी थे। फिलहाल पंजशीर से तालिबान के खिलाफ खड़े अहमद मसूद भी ताजिक हैं। अफगानिस्तान के पूर्व CEO अब्दुल्ला अब्दुल्ला भी ताजिक हैं। तीसरे हैं हजारा। अफगानिस्तान में हजारा अल्पसंख्यक समुदाय है। अफगानिस्तान में हजारा समुदाय को सबसे ज्यादा निशाने पर लिया जाता है। अफगानिस्तान में हजारा आबादी 10% है। भाषा है दरी। हजारा समुदाय की अधिकतर आबादी मध्य अफगानिस्तान में है। यहीं पर तालिबान ने गौतम बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा को नष्ट किया था। हजारा समुदाय के अधिकतर लोग शिया हैं। तालिबान इन्हें काफिर मानता है। हजारा समुदाय के घर, स्कूल, मस्जिद, अस्पताल तालिबान और इस्लामिक स्टेट खुरासान के निशाने पर रहते हैं। अगले हैं उज़्बेक। अफगानिस्तान की कुल आबादी का 10% हैं उज़्बेक। अधिकतर उज़्बेक उज़्बेकिस्तान से सटी उत्तरी सीमा के पास रहते हैं। फिलहाल उज़्बेक के सबसे प्रमुख नेता हैं अब्दुल राशिद दोस्तुम। 5वें नंबर पर आते हैं तुर्क। तुर्कों की आबादी तुर्कमेनिस्तान से लगी उत्तरी सीमा के पास ज्यादा है। ताजिक और उज़्बेक के साथ तुर्क भी 1996 से 2001 के बीच तालिबान के खिलाफ मोर्चा संभालने वाली नॉर्दर्न अलायंस का हिस्सा रहे हैं। 6वें नंबर पर आते हैं बलूच। अफगानिस्तान की दक्षिणी सीमा से सटे पाकिस्तान के बलूचिस्तान के पास रहते हैं ज्यादातर बलूच। अफगानिस्तान के बलूच पाकिस्तान के बलूच से सांस्कृतिक तौर पर करीब हैं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में अफगानिस्तान के बलूच समुदाय से शादियां भी होती हैं। अगले हैं नूरिस्तानी। अफगानिस्तान का नूरिस्तानी समुदाय ज्यादातर उत्तर पूर्वी सीमा के पास बसा हुआ है। अफगानिस्तान के नूरिस्तानियों के बारे में कहा जाता है कि 19वीं सदी में इनका जबरन धर्मांतरण कर इन्हें मुसलमान बनाया गया।
यहाँ तक कि अमेरिका और अफगानिस्तान की पूर्व सरकारों को अफगानिस्तान के इन अलग अलग गुटों के प्रभाव को स्वीकार करना पड़ा है। अब तक ये किसी न किसी रूप में अफगानिस्तान की राष्ट्रीय और प्रांतीय सरकार में शामिल होते आए हैं। देखना होगा कि इस बार की नई अफगान सरकार में इन्हें क्या जगह मिलती है।